का फोटो शूट मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार मतलब माय वाइफ एंड माय डॉटर टीना एंड रेहा दे बोथ आर गोना बी ऑल थ्री ऑफ यू नो थ्री ऑफ अस आर गोना कम टुगेदर एंड हम लोग शूट करेंगे एंड जयेश जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं बहुत ही वेल नोन फोटोग्राफर हैं उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसा ऐसा हम शूट करते हैं तो पूरा परिवार जो है काफ़ी एक्साइटेड है आज एंड जैसा कि कहते हैं ना कि यू शुड लिव बाय द मोमेंट सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आज तक मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम हुआ कि पूरा फैमिली के साथ में कोई सेलिब्रिटी फोटो शूट कर रहा है तो ये आइडिया किसका था जी ये आइडिया मेरा ही था क्योंकि जब भी मैंने जयेश के साथ फोटोग्राफ्स यू नो खींची हैं हमने फोटो शूट किया है और मैं घर जाके आई एम शोइंग देम एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होकर यू नो दे सी माई पिक्चर्स माई वाइफ एंड माई डॉटर एंड फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि चलो हम लोग तीनों मिलकर करते हैं कभी ऐसा हुआ नहीं है एंड मेरी बेटी को भी शौक है यू नो कहीं ना कहीं शी इज़ गॉट एन एक्टर इन हर एंड माय वाइफ आल्सो आई थिंक शी इज़ अभी सिंस मैं कोई शूट नहीं कर रहा तो वो मुझे बताती हैं कि देखो ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए तो मुझे एक्टिंग सिखा रही है वो काफ़ी घर पे हाँ बहुत बहुत काफ़ी टिप्स मिल रहे हैं तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम आओ फोटो शूट करते हैं साथ में तो तुम्हें भी मज़ा आएगा देखिए तीन चेंजेस होंगे एंड पहला तो ये है ट्रेंडी स्पोर्टी लुक टी शर्ट्स डेनिम जैकेट कैजुअल वेरी वेरी कैजुअल एंड लिटिल थोड़ा सा कूल रखा है सुपर ड्राई लेटेस्ट कलेक्शन इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड उसके बाद है टक्सीडो लुक आई थिंक डिनर जैकेट आई जस्ट फेल दिस दैट यू नो बो हमेशा मैं टाई ही पहन के रेड कार्पेट्स मैंने अटेंड किए दिस टाइम आई वॉन्टेड टू वेयर अ बो एंड द टक्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील लाइक जेम्स बॉन्ड एंड my wife is going to be wearing a gown I just feel that ki, you know see I'm 38 now and mujhe aisa laga tha mere career mein ki main by this time I'll be meeting the presidents of different countries main I'll be meeting the ambassadors to ab wo sab hua nahi to main apne shauk poore kar raha hu yahan par red background pe I'm trying to wear those clothes which I think I can wear when I'm in the white house ओह मेरी डॉटर और मैं मतलब हम लोग दंगल करते हैं साथ में अब आप ये सोच लीजिए कि मतलब शी इज़ माई एवरी थिंग एंड जैसे ना कि वो दस मतलब शी इज़ लाइक डॉटर्स आर द बेस्ट एंड कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक डॉटर का एक स्पेशल रिलेशनशिप फादर के साथ होता ही है एंड वो है हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे बैडमिंटन खेलेंगे स्पोर्ट्स साइकिलिंग आई टॉट हर साइकिलिंग एंड हर चीज़ में लाइक पापा आई वांट टू डू दिस आई सेड चलो एंड देन देर आर टाइम्स व्हेन शी टेल्स मी यू नो सर्टेन थिंग्स एंड अभी उनका अभी मेरे कुछ महीनों से मेरा शो नहीं है ऑन एयर एंड वो भूल गई हैं कि मैं एक्टर हूँ एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए एंड मैं पहले पूछता था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है तो कहती थी पापा यू आर माई फेवरेट एक्टर यू आर माई बेस्ट एक्टर एंड अब मैं पूछता हूँ कि हुज़ योर फेवरेट एक्टर वरुण धवन वरुण धवन और मैं सोचो 2000 रुपये खर्च करके उसे सुई धागा भी दिखा रहा हूँ एंड मतलब फादर मतलब इस ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ कि हम लोग जुड़वा देखते हैं राजा उसे बहुत पसंद है एंड बेस्ट पार्ट इज़ वेरी स्वीट ऑफ वरुण धवन दैट यू नो हमने वीडियो शूट किया एंड वी ट्वीटेड टू वरुण और वरुण ने भी रिप्लाई किया रेहा को तो रेहा ने स्कूल में जाके कहा कि यू नो वरुण एंड मी आर फ्रेंड्स नाउ तो रेहा को बड़ा अच्छा लगता है कि अभी आएगी रेहा तो आप पूछना उससे कि क्या बात है आप वरुण और आप फ्रेंड्स हो गए एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई लव दैट एंड कभी कभी यू नो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन मेरा एक सिंपल सा मानना है कि लाइफ में बॉस आप मेहनत कीजिए हार्डवर्क पैशनेटली काम कीजिए और ऑनेस्ट रहिए क्योंकि ज़िंदगी जो है ऐसे ऊपर नीचे जाएगी एंड कभी आप जब आप ऊपर जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं और जब आप ज़िंदगी आपकी जब नीचे जा रही होगी तो आप छोटी छोटी बातों के बारे में सोचोगे तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है और यू हैव टू सी टू इट दैट कीप योर फैमिली क्लोज टू यू बिकॉज फैमिली जो एक ऐसी यू नो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर यू नो आपका साथ देंगे नो मैटर वॉट एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भी आपकी फैमिली की वजह से ही आएंगे एंड देर हैव बिन डेज वैन आई थिंक यू नो आई बिन लिटिल डाउन कि यार एक शो था जो मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यार मुझे बहुत बड़ा मौका मिल रहा है मुझे एक बिकॉज
भले ही मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है. यू नो आई वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल. एंड वो फिर शो हुआ नहीं. एंड मैं घर आया, बहुत मायूस था. एंड मैंने रेहा से हाय पापा, एज अ हाय रेहा हाउ यू. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और रेहा आई, उसने मुझे यू नो हग किया एंड शी सेड, यू नो व्हाट पापा, यू आर माय मोस्ट फेवरेट एक्टर. तो मैं बहुत हैरान हो गया, बिकॉज इट्स ऑलवेज वरुण धवन, वरुण धवन, वरुण धवन. एंड देन शी सेज, यू आर माय मोस्ट फेवरेट. एंड शी जस्ट मेड मी फील वेरी गुड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड फिर मैं उसके बाद यू नो नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा नाटक करने के लिए कि अच्छा रेहा हुज योर फेवरेट एक्टर, वरुण धवन. तो ऐसा नहीं है कि वो एक वो मैजिकल मोमेंट था यू नो फॉर मी. तो दैट वे यू नो दीस थिंग्स आर देयर विद रेहा. ओके, ये बॉडी के बाद में फैशन की बात करें तो आपके घर में कौन आप